आइए। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। आओ नजदीक। कहां से हो? पनवेल में कहां रहते हैं? माता के पास। हाँ, ये आपके जहां रहते हैं वो अपार्टमेंट का नाम होगा, बिल्डिंग का नाम, अपार्टमेंट मतलब माता श्री डिजाइनर, उन्हें बाद में। क्या समाधान चाहते हैं बालाजी? आपकी बेटी को क्या है? उल्टी चलती है? हमारे में ऐसा है, घर में विचित्र स्थिति बनी, आपको एक ना एक झटका लगता रहता है, ठीक है। नंबर एक, वर्तमान में कुछ दिन पूर्व में एक्सीडेंट हो गया था, आप गाड़ी से गिर गए थे, चोट लग गई थी। नंबर दो, बच्चों के भविष्य की अर्जी लेकर के आई है, बात नहीं मानती आपकी बिटिया, बात नहीं मानती है, बीच बीच में उल्टी बात का जवाब देने लगती है। उसकी बुद्धि ठीक रहेगी, पढ़ाई कर रही है, अच्छा पढ़ रही है, नौकरी भी उसे प्राप्त होगी, उठा पटक भी ये बंद हो जाएगी, आशीर्वाद है। ओम आराम लगेगा। पति भी आए, एक मिनट में बुलवाए ले रहे। अच्छा, ये जो बालाजी, काली माता को आप श्रृंगार चढ़ाओ, काली माता को, हमने इसमें लिख दिया है, काली माता को आप श्रृंगार दो, बाधा कुछ भी नहीं है, ये उठापटक भी बंद होगी। बाला आपके आपके पति आए हैं, यहाँ कौन से बाधा, आपके पति आए हैं शिव कुमार जी, सिंह जी, उनको भेज दीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे, हमें उनकी आपकी एक बात बतानी। हेलो, हाँ, बधाम पहुंचना ही है, पेची करनी ही है। शिव कुमार सिंह जी, आप आ जाएं, आपको बुलाया जा रहा है, चलो आप पहुंचो, हम आपके पति को एक विषय बताना चाहेंगे, उनको हम बुला करके बता देंगे, आप पहुंचे जाएं। कोई संदेह? बात एकदम सही, आज से ही आराम लगेगा, जाओ। राम, अरे पागलो सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते, हर 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 हर। बैठिए, उस तरफ मुंह करो, क्या नाम है बहना? ओ, हमने बुलाया था, ठीक से बैठो बहना, क्या समाधान चाहती हूँ आप? इस तरफ मुंह करो बालाजी की तरफ, पढ़ी लिखी हो, क्या समाधान चाहती हूँ?
और हम उनके बारे में, लेकिन हमारे परिचय में कुछ एक बात ठीक नहीं आई है। हमने जिनको बुलाया है सौम्या नाम की अर्जी है, हाँ, क्योंकि आपका नाम सानिया है जी, ये आया है। यह सही अर्जी नहीं है, सौम्या नाम की अर्जी आपने बुलाई थी, यह सानिया नाम की बिटिया है। नंबर एक, यह अर्जी फिर भी स्वीकार है, करियर उज्जवल होगा। पिता की मृत्यु का रहस्य जानना है, पिता की मृत्यु का रहस्य जानना है। पिता की मृत्यु का कारण कोई भी ऊपरी बाधा नहीं है, देवयोग कुछ भी नहीं है, इन चक्रों में ना पड़े। माँ घर पर रहेंगी, उनकी बुद्धि भी ठीक रहेगी। किसी भी संस्था का हम विरोध नहीं करना चाहेंगे, संस्था वो ठीक है, वो उसमें अध्यात्म में बहुत ज्यादा चली गई हैं, और उनके मन में राम साधु जी सीताराम, अच्छा भगवान ब्रह्म को ही वो स्वीकार करना चाह रही हैं। ये ओम शांति ओम संस्था है, ओम शांति ओम संस्था है, उसमें वो जुड़ गई हैं और उसी में वो लगातार उनका संपर्क है, वहीं वो जा करके आध्यात्मिकता का अनुभव कर रही हैं और वहीं पर जीवन व्यतीत करना चाह रही। तो उनकी बुद्धि उल्टी नहीं है, लेकिन वो परिवार पर ध्यान देंगी। आपका करियर उज्ज्वल होगा, पेट की पीड़ा भी आपकी ठीक होगी, सिर का दर्द भी ठीक रहेगा, वाह परिवार में हमेशा सुख शांति रहेगी। और पिता के बारे में आप टेंशन ना लें, ये बार बार आपके लिए सन्यासी बाबा की आज्ञा। माइक लो, क्या ये सही बात है? बराबर, ये माइक चालू करो भाई, एकदम सही, हाँ। कोई संदेह? सीताराम आपके बारे में ही निकाल रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? एक आपका गोपनीय विषय है, उसमें आप क्या चाहती हैं? पूछे देखो, हम बहुत स्पष्ट बोलेंगे, आप हमारी बहन जैसी हो, अगर कोई भी बात बोले तो बुरा ना मानना, ठीक बहना? ये पढ़िए, प्रेम चक्कर जहां चल रहा तुम्हारा, वहां शादी करना चाहती पर वो परिवार बहुत उल्टा है, स्वीकार नहीं करना चाहता है, वो परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, वो दूसरी जगह विवाह के लिए वचनबद्ध हो गए हैं, दूसरी जगह विवाह के लिए वो वचनबद्ध हो गए हैं। कोशिश करें वहां से आप निकल आए, यही आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि अब लड़का भी परिवार के दबाव में है, जिनसे तुम प्रेम करती वो भी परिवार के दबाव में है। अगर आप निकल आएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, आगे आपकी मर्जी। एकदम सही, तुम वही शादी चाहती, तो उनकी शादी तो वार्ता हो गई थी। नहीं नहीं, एक जगह तो उनकी रोका वगैरह हो गया था शादी का, तय बात तो तय हुई थी ना। दूसरी जगह तुम्हारे साथ नहीं, अन्य जगह, अन्य जगह अभी राम साधु जी सीताराम, सीताराम चार महीना पहले, पांच माह पहले, पांच माह पहले, पांच महीना पहले की बात है। एकदम सही, ठीक है। आप एक काम करो, कात्यायनी माता का ध्यान और विधि करो, फिर भी हम आपके लिए अर्जी लगाएंगे बहन, ठीक? खुश जाओ मुस्कुराते, ये पर्चा है आपका, ये इस पे भी दिखा सकते हो, स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे ऐसा पकड़ लो, उस तरफ देखो बहना, अभी दिखा नहीं, आ गया, इसको फिर से दिखा, हम दिखा,
और आपने घर पे भी अर्जी लगाई थी नारियल धाम पहुंचा देना, ठीक भाई ना। और तुम भक्ति भी करो, बहुत गंभीर रहो। अभी बीच में बहुत भजन में जुड़ गई थी, अब बहुत ज्यादा मन कट गया है, तो आप अकेली हैं, आपका परिवार में बहुत ज्यादा कोई ध्यान रखने वाला नहीं, इसलिए बहन बहुत गंभीर रहो, बहुत समझदारी के साथ चलो। हमने आपकी अर्जी लगाई ही इसीलिए, जब सन्यासी बाबा ने आपके बारे में बताया कि ये अर्जी इनकी तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बताया कि इस बिटिया को मार्गदर्शन जरूर दो, तब हमने आपकी अर्जी लगाई। आज से आप और गंभीर चलो, बहुत सावधानी रखो, कोशिश हम प्रयत्न करेंगे, उन्होंने मना तो कर दिया, हम प्रयत्न करेंगे कि आपका विवाह वहीं हो जावे, आपकी शादी वहां हो जाए, नहीं तो आप उससे बाहर निकलना प्रारंभ करो, भजन करो, कैरियर बनाओ, ठीक। आशीर्वाद। साधु जी, अरे बालाजी, बोलो बागेश्वर धाम की। अभी दरबार लगा रहेगा, सब लोग सामूहिक अर्जी लगा करके ही जाएंगे, अभी तो दरबार लगेगा, जिन जिन की आज्ञा बालाजी देंगे। हाँ बबलू आ गया, वो विजय बालक को बोला, प्रवेश करवा दिया भैया, वो जो वहां का बालक था उसको प्रवेश दे दो, आइए इस तरफ मुंह करो, नहीं नहीं भगवान छूना नहीं। कहां से हो आप, यहां क्या कर रहे हो, कांदीवली मुंबई, वाह पहली बार आए हो, तो एक बार दर्शन जाके करें आपने सरकार के। अभी ठंड के कारण, अरे अब आइयो बागेश्वर धाम, हाँ क्या नाम है आपका, अच्छा ठीक, बोलो क्या प्रश्न है, यहां विराजमान थे वही हो, यहां पे क्या समाधान चाहते हैं, क्या ठीक है, कहां पे, यहां पे आओ नजदीक। घर में परेशानी बनी, बच्चे उल्टे चलते हैं, भूमि में विवाद हो गया, कोई भूमि में विवाद हुआ, आपका भूमि में विवाद हो गया, दबंगों द्वारा विवाद किया गया है, षड्यंत्र किया गया है, निपट जाएगा, आपकी ही जमीन है, आपको प्राप्त होगी, वह मुकदमे तीन चल रहे पक्ष में हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, बच्चों को एक बार दर्शन करवा देना, आशीर्वाद है। साधु जी पहले का था, मामा बार बार आ रहे, अब सही है, अभी बिल्कुल कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उनसे कलेश मत कर लेना किसी से भी, और तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा भी बहुत आती है, आवेश आती है, और तुम्हारे ये जो मुकदमे हैं ये बेफिजूली के मुकदमे हैं, दबंगई के मुकदमे हैं, तुम्हारे ऊपर दबंगई का आरोप लगा दिया है कि तुम गुंडा हो, मारने आते हो, आरोप प्रत्यारोप इनके लिए भी यही कहते बहुत ज्यादा, तो तुम थोड़ा सा क्रोध बहुत ज्यादा करते हो, क्रोध करना बंद करो, हम उपाय करेंगे, बालाजी दया करेंगे, और ये पक्ष में होगा, कानूनी सलाह लेते रहो, आशीर्वाद। कोई संदेह, बात बराबर, पधारो बहना। साधु जी, ओ बालाजी, राम, राम।